अंदर से ना मेरे को अभी भी थोड़ा डर भी है, लेकिन अच्छा भी महसूस हो रहा है। कुछ भी अच्छा करते हैं ना, बहुत सारे बंदे होते हैं चिढ़ने वाले, अरे भाई इसने ये कैसे कर लिया, इसने वो कैसे कर लिया। बाइक कैसी लग रही है? सही में अच्छी है। अरे 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 लेकिन कहते ना एक वो चीज पूरी हो गई है, यहाँ से लाइन से देखोगे ना, 1 2 3। क्या बात है, कितना सुंदर कितना सुशील केक है ये। चाट गया केक, चाट गया। तो प्यार लग रहा है, ये जो चाट के झूठा कर दिया इसने केक को। ये जो हमने छोटे मोटे सांप पाल रखे हैं ना, कसम से ये हर जगह आ जाते, डंक मार दे, केक पे भी डंक मार दिया। पर्दा उठा दिया भाई, एक बार पहले ली थी वहां से, फिर अभी वहां से अभी यहां से ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ये शांत वाला है ना, कम से कम बाइक नजर तो आई है, अपग्रेड भी हो गई, कार्बन बन गए पूरी, अब ये S2 नहीं है, S2R हो गई, और अभी जो इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जिसे पर्दा उठाया था, बाइक देखने का मौका भी नहीं मिला, पर्दा उठाया, कमल भाई बाइक ले गए, अरे दिखाता तो कह रहे यहाँ खड़ी करनी ठीक नहीं है, बोला चलो ठीक है ले जाओ, लेकिन क्या सुंदर लग रही है, भाई एक चीज और बता दूं, ये बहुत सीरियस है, ये ना भाई जादू टोटका भी करता है। गाइस अभी एक जादू होगा, अभी ये बैग यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर बाद बैठने वाला नहीं भाई, इसके बैग में से नींबू निकलती है भाई, को ना कमजोरी हो जाती है कई दिन, तो नींबू पानी बना ये नींबू पानी, ये नींबू पानी बोला, ये वो वाला पैर रखता है तुम्हारे में, आत्मा आ जाएगी और मेरे में आ चुकी है आत्मा। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज की बाइक का बर्थडे है ना, ये लो भाई, ये देखो केक दिखाते हैं, इतना खिला दे, कितना ये तो नहीं है बस, तू दिखा थोड़ा सा, ये अभी आपके मुंह पे जाएगा। हाँ ये बाइक ने मेरे को खिलाया, मैंने बाइक को खिलाया, बाइक ने मेरे को खिलाया। ले भाई जट प्रभ जोत को फोन खाना चाहते हैं। गाइस मैं इसको खिला दूं प्लीज, और छोटे कर दे भाई, तो अपने आप को खा जा। जितने बंदे कहते हैं ना मैं खन्ना के बारे में गलत बोल रहा, कुछ ऐसा नहीं है, अपना पीतले की साइड हो गया, सब वहाँ पर अभी काट रहे हैं, काटा भी नहीं है पूरा, अपना पीतले के चला गया। प्लीज मेरे 6,000 रुपए दिला दो, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरे 6,000 जिस दिन मिल जाएंगे ना, मैं इसके 2 दिन पार्ट और लगवाऊंगा। हमारे लिए नहीं, इसकी खुद की, ले जाओ भाई, मैं ये नहीं, अरे छोटो हेलो बोल के दिखाओ, फिर मिलेगी छोटो को हेलो, मेरे को भी बढ़िया बोलता है हेलो, मेरा छोटे में खत्म होता है हेलो, ये लो ये आपका गिफ्ट, आपकी गाड़ी आपको गिफ्ट। चलो सही है भाई, अभी हमारी भी निकलने की तैयारी है, और S2 के सिनेमैटिक शॉट आपने देख लिया, होप करते आपको मजा आएगा, अभी लेंगे इसको चलाने के मजे, 6 महीने से हम रुके हुए थे, चलाएंगे चलाएंगे, लेकिन फाइनली टाइम आ गया, अब इसको चलाएंगे, घर लेकर जाएंगे।
गोप्रो में ना लाइट ऐसे ऐसे करती है, ऊपर नीचे भागती है गोप्रो की वीडियो में। चलो भाई फाइनली H2 को लेके निकल रहे हैं। चल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं। हमने शाम की एक राइड प्लान करी है, अभी देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि इतने थक चुके हैं ना, अगर घर जाके सो गए फिर नहीं जा पाएंगे। चलो भाई गोप्रो में इसका पहला सेल्फ। एक्सीडेंट के बाद H2 मैं आज चला रहा हूँ पहली बार। अंदर से ना मेरे को अभी भी थोड़ा डर भी है, लेकिन अच्छा भी महसूस हो रहा है कि मैं भी ठीक हो चुका हूँ पूरी तरह, और H2 भी हमारी ठीक हो चुकी है पूरी तरह। तो अभी हमारी बाइक में पेट्रोल की मात्रा भी कम दिखा रहा है, पेट्रोल डलवाते हुए जाएंगे, यहीं पे पास में पेट्रोल पंप है। डाल दो अभी हम इस पर डलवा रहे हैं पावर, जब तक जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक डलवाएंगे, नहीं तो फिर मैं इसमें नॉर्मल भी डलवा देता हूँ। कसम से भाई वही पुरानी आवाज, वही पुरानी यादें, मतलब तगड़े वाला मजा आ रहा है भाई, दिल खुश हो गया, दिल खुश। अरे 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 लगता है बाइक की आवाज से उड़ गई है। इस बाइक की आवाज से ना बहुत लोगों की नींद उड़ने वाली है, मुझे पता है, पक्का पता है, क्योंकि होता क्या ना, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं ना, बहुत सारे बंदे होते चिढ़ने वाले, अरे भाई इसने ये कैसे कर लिया, इसने वो कैसे कर लिया। कभी भी चिढ़ो मत, वो काम आप लोग भी करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। चिढ़ते रहोगे ना अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने बहुत से बंदे देखे हैं ऐसे। बाकी ठीक है, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपने पास बाइक आ गई है, अभी अपने को करनी लॉन्ग राइड की तैयारी। पहले इसको लेके छोटी मोटी राइड मारेंगे, या पंजाब की साइड निकलेंगे या जयपुर की साइड, उसके बाद आगे देखेंगे। इसको नेपाल भी लेकर जाना, बहुत सारे प्लान है, धीरे धीरे पूरे करेंगे। मज़ेदार भाई मज़ेदार। क्या होता है ऐसे करूंगा तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। भाई कह रहे रेप करो, रेप करने के चक्कर में पुलिस वालों ने साथ में बिठाया होगा, भाई वीडियो बना रहा था हमारी। अभी भी ना मैं अपने गोप्रो का एंगल सेट नहीं कर पा रहा, जब भी रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ उसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एकदम सही व्यू आए आपको। पर पहले हमारा प्लान क्या था ना, हमारी Z1000 भी वहीं पे खड़ी हुई है, हमने सोचा था वो समीरन चला लेगा, ये मैं चला लूंगा, लेकिन समीरन महाराज कह रहे मेरे को तो लग रही बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं जाऊँगा जिप्सी में। संतोष और समीरन जिप्सी में गए हैं, और पापा गए हैं कुलदीप के साथ, वो सारे के सारे घर पे हैं। मैं जा रहा हूँ मम्मी को बाइक दिखाने के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे वापसी गुड़गांव। आज इसमें काफ़ी राइड होने वाली है, और हो सकता है शाम को भी एक राइड का सीन बनेगा, मतलब आज के दिन इसको इतना चला लेंगे ना, पूरे पैसे वसूल करने हैं। 6 महीने हमारे पास थी नहीं ना, अभी इतने पैसे लगा दिए, वसूलने भी तो हैं। भाई ये खड़ी अपनी जिप्सी, और यहाँ खड़ी करते हैं अपनी बाइक। सही में यार कितनी सुंदर लग रही है, वीडियो में इतना नहीं पता लगता, लेकिन जो सामने से दिखने में लग रही है ना सुंदर, मतलब जो जो बंदा सामने से देखेगा ना बस वो इसका दीवाना हो जाएगा। आंटी जी कैसे हो, ठीक हो? मेरे को लगा अंदर आवाज ही नहीं जा रही। सत श्री अकाल। कौन नहीं, कपड़े यही पहने थे सुबह से मैंने, क्या समीरन हो आए नहीं अभी? बढ़िया। संतोष महाराज तो यहाँ सोए हुए हैं, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? आधा घंटा। आपको कैसे बताया, पापा ने? तो पुलिस वाले आए, उन्होंने एक आया था अभी, बीट बॉक्स ने एक भेजा था, प्रसाद नहीं उसे, फिर पूरी टीम आती। और सीम क्या था, पहले एक बंदे ने कंप्लेंट करी, उन्होंने बोला चलो ठीक है छोटे मोटी भीड़ होगी चली जाएगी, फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी कंप्लेंट हुई ना, उसके बाद जाके फिर उन्होंने बंदा भेजा, उन्होंने फिर ये बोला या तो खत्म कर दो या फिर थाने जाना पड़ेगा, फिर हमने कर दिया उसको समाप्त। बोला लगा लो होगा 800-900 बंदा, 500 से हम फोटो खिंचवा चुके थे, अभी 200-300 रह गया। हाँ फिर और क्या करते, फिर थाने जाना पड़ता मम्मी, पुलिस आ जाती, उसकी दुकान की कंप्लेंट हो जाती। हाँ सब चले गए, और अभी मम्मी बता रही हैं ये जिप्सी में आए ना ये लोग, जिप्सी का जो साइड मिरर है वो भी टूटा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है उसकी बाइकों का, कुछ तोड़ दिया, किसी की बाइक की ब्रेक तोड़ दी। वो देखते नहीं है ना सब्सक्राइबर, वो आते उनको तक फोटो खिंचानी है, आस पास चाहे 25 तक की बाइक है चाहे 30 की है, मतलब उनको भी एक्साइटमेंट होती है मिलने की। और वो जो बाइक होती है, अरे वो बाइक के ऊपर खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने बोला भाई वो 25 लाख रुपए की बाइक है उसके ऊपर क्या खड़ा तू? लेकिन फिर वही आप क्या कि इसको बोल तो कुछ सकते नहीं। आओ ना आपको पहले बाइक दिखाता हूँ बाहर मेरे में, अरे पानी पी लेंगे, पहले बाइक दिखाऊंगा, आ जाओ। तेरे को नहीं दिखाऊंगा, तेरे को भी देखनी है, चल आ जा तू भी, फिर सबको दिखाऊंगा। आप बताओ बाइक कैसी लग रही है? सही में अच्छी है, ये वही वाली बाइक है?
अभी चेंज कर दी ना इसको, सारी कार्बन फाइबर कर दी। सही बताओ जनरल नाराजी है पापा आपको? पापा से मैं पूछना ही भूल गया, वहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कुछ समझ ही नहीं आया। कैसी लग रही है पापा? बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है ना। वो साइड में हमने जट प्रभजोत भी लिखवा दिया ना, अभी घर जाके दिखाएंगे इसमें क्या क्या काम करवाया। इतना होश पोच हो गया ना, हमें समझ ही नहीं है क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये भी नहीं समझ में ब्लॉग क्या बनाया क्या नहीं। घर जाके एडिटिंग के लिए बैठेंगे तो पता लगेगा। कैसी लग रही है अभी छोटे? अच्छी है। पक्का? हाँ भाई, ये जाग रहा है, इसकी नींद खुल गई है। मम्मी ने आवाज मार दी ना, ये चक्कर सोला सोला सोला। ये देखो बाबूजी गाड़ी में बैठ के आए आराम से, एसी में तब भी थक गए हैं। यहाँ फोटो खिंचा के जाके जान निकल के बाइक चला के आऊँ फिर भी एकदम चार्ज, शर्म नहीं आ रही। चल सो जा सो जा। अरे सो जा, लेटर लेटर। सॉरी सर, सॉरी, सो जाओ सो जाओ ना, सो जाओ सो जाओ। यहाँ 15-20 मिनट और। गुड नाइट, चाय बना दो। मम्मा चाय बना दो। तो भाई पहन के मैं वो वाले शूज आया था, लेकिन बाइक पे ना आते हुए थोड़े गंदे हो गए। साफ तो मैंने यहीं पे कर दिए। मम्मी कह रही इतने ही क्या हो गए, तेरे को जूते साफ करने लग गया। लेकिन अभी वो समीरन पहन रहा है और समीरन के काले वाले, ओ भाई ओ भाई, ओ ओ, 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 ओ। आराम से आराम से। नहीं नहीं, बंदा भी महंगा, जूता ही महंगा। आराम से भाई आराम से। तो अभी मैंने समीरन के जूते पहन लिए ब्लैक वाले, ये ज्यादा गंदे नहीं होंगे ना। आज तो मैं ऐसे चलूंगा ऐसे। भाई ये घर जाते जाते ऐसा काम मत कर दिए भाई, पता चला नहीं पड़ गया। दिख रहे संतोष? संतोष की नींद भी पूरी हो गई। हो गई भाई, चले अभी। चलो ठीक है भाई। अरे थकावट का तो पूछो ही मत, ऐसा बुरा हाल हो गया था ना, मेरे को भी नींद आ रही थी। लेकिन अपने को एक रील एडिट करनी थी, रील एडिट करके अभी हमने इंस्टाग्राम पे डाल दी है। अब जाएंगे अपनी बाइक चला के गुड़गांव। लेकिन आज है मंडे, टाइम हो चुका है 5:38, मतलब कि ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, तो जाम मिलेगा। हम ऐसे खड़े रहेंगे। तुम तो एसी में बैठे रहोगे, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा। इस तुम्हें तो नया पंख लग गया ना, वो पंख ही तो रोकेंगे ऐसे कट मारने से। वो पंख ऐसे बाहर रहे ना जो उसके विंग्स निकल रहे हैं, तो थोड़ा कट मारने में डर लगता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चलाएंगे, पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं भी चल रहा हूं जिप्सी में, रिकॉर्ड भी तो करूंगा जिप्सी से। वीडियो चलो, मम्मी हर बार की तरह हमें नीचे तक छोड़ने आई है। हालांकि ऊपर से भी देख सकती है भेड़ से, लेकिन कहते नहीं नीचे छोड़ने आऊंगी। कैसी लग रही है? हैं? बहुत बढ़िया, पहले से अच्छी लग रही है ना। चलो बाय। तो समीरन और संतोष जा रहे हैं जिप्सी में। चलो बाय बाय, फोन करता हूँ। ये जिस टाइम पे हम निकले हैं ना, तगड़े वाला जाम मिलने वाला है। लेकिन इसकी सीटिंग पोजीशन मेरे को सही लगती है, इसमें ज़्यादा बैक वैक में पेन नहीं होता और एक गाड़ी के अलॉय अच्छे लग रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज़ लगती है ना, हम उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं। आगे स्कूटी में बच्चा हमारी बाइक को देख के बहुत ही खुश। कैसी लग रही है? बढ़िया। क्या साउंड है भाई, क्या साउंड है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई और ऐसी बाइक आती होगी जिसकी साउंड ऐसी है। एक नंबर साउंड भाई। अभी अपने को कट मारना पड़ता है ना गाड़ी के बीच में से, तो थोड़ा विंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक दो बारी चलाऊंगा ना फिर आदत हो जाएगी। ओ भाई साहब, छोड़ा इसने पटाखा, यही तो अपने को चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। पता है मैं इसको इतने टाइम बाद चला रहा हूँ ना, अब मैं इसको और डुकाटी को कंपेयर कर पा रहा हूँ। डुकाटी की सिटिंग पोजीशन ना थोड़ी और ज्यादा अग्रेसिव है, उसमें हल्का हल्का बैक में पेन आया था और वो हीट इतनी ज्यादा मारती है ना। अभी देखो इतना जाम है, मेरे को हीट महसूस नहीं हो रही। हल्की हल्की हो रही है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं मारेगी, हल्की हल्की हो रही। वो तो ऐसी होती है ना कि भाई अब रोक दो, अब पहले ठंडे पानी से नहाऊंगा फिर उसके बाद आगे जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपना एक राइड का प्लान भी है, हमने 90% फाइनल कर दिया। हम लोग आ रहे हैं जयपुर, और मे भी हो सकता है वेडनेसडे आए, थर्सडे आए, आज आई थिंक मंडे है। 2 या 3 दिन में निकलेंगे, एक छोटी राइड करेंगे। छोटी राइड हम क्यों कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती। बाय। अच्छा करोल बाग आए थे? ओहो थी वहाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, और सब बढ़िया? चलो सही है।
भाई कह रहे करोल बाग भी आए थे, इतनी भीड़ थी मिल ही नहीं पाया। देखो अभी रास्ते में चलते चलते मिल गए। डेस्टिनेशन लिखी होती है हर एक बंदे की ना, कौन कहाँ मिलेगा। एक लोता अंडरपास आया जिसमें भीड़ है। अभी मेरा मन हो रहा घर ना जाऊं, इसको और चलाऊं, लेकिन थोड़ा घर जाके आराम करना भी जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या साउंड है भाई, जबरदस्त। पता क्या, जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना इस बाइक से, मेरे को बहुत सारे बंदों ने कहा था, मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कि भाई ये बाइक बेच दो। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, अगर मैं प्रॉपर ठीक हो गया ना तो इस बाइक को भी प्रॉपर ठीक कराऊंगा, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, भले ही सारी बाइकें बेच दो। अच्छा लग रहा है आज दोबारा इस बाइक को चला के ना, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी पुराने अच्छी यादें भी हैं, बुरी यादें भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बुरी यादों को मैं भूल जाऊँ, अच्छी यादों को याद रखूँ, और अच्छी यादों के सहारे ना मैं आगे चलता जाऊँ। पहुँच गए हम लोग अपने घर, क्या बात है। पहले लाइट जलाते हैं। टिंग 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 टिंग, सारे जला दिए। फाइनली अपनी H2 अपनी सारी बाइकों के साथ खड़ी होगी, क्या बात है। यहाँ हमारी H2, वहाँ हमारी सारी बाइक। अभी भी इनमें दो बाइकें कम है, V3000 भी आज लेकर आनी थी, वो भी नहीं लेकर आए, और साथ में हमारी हस्कवर्ना है, वो भी वहीं पर खड़ी है। ओ भाई कितनी शांति मिली है ना कानों को। लेकिन इसकी साउंड ना भी सुनो ना तब भी मज़ा नहीं आता। साउंड सुनते रहो तो कान सुन हो जाते हैं, ना सुनो तो मज़ा नहीं आता। फाइनली एकदम सही सलामत घर पहुंच चुके, और आज हम दिन में ना तीन बारी नहाए हैं। एक बारी अभी नहाऊंगा, एक बारी सुबह नहा के गया था, अभी बिल्कुल पसीने से नहाए हुए हैं। मतलब ऐसा गेट टुगेदर था ना खतरनाक वाला, मतलब आप लोगों ने ना आतंक ही मचा दिया, और अभी मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो, अच्छा तो लग रहा है। अपनी ना सारी बाइकें घर आ चुकी हैं, दो और हैं वो भी आ जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना एक वो चीज़ पूरी हो गई है। यहाँ से लाइन से देखोगे ना, एक दो तीन चार पाँच छः, दो और आ जाएंगी तो सात आठ, मजा आ गया। लेकिन ये कितनी सुंदर लग रही है, बस मेरी नजर ना लग जाए। काला टीका लगाऊंगा इसको, ला के ना छुपा के काला टीका लगा दूंगा। अभी एक बंदा चढ़ा है, अभी देखना ये 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 देखो भाई साहब, कम से कम भाई 10 बंदे चढ़ चुके हैं अभी तक ऊपर। ये देख रहे हो ये भीड़, ये सारी ये हवा में कैसे है, ये भाई अपनी जिप्सी पे चढ़े हुए हैं। अभी ना बैठ के हम देख रहे थे क्या क्या डेट आया, कैसे कैसे एडिट करना है, मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा भाई, एकदम से ना फील होने लगा जिप्सी भाई, ऐसे हिल रही है, झूम रही है, पीछे 10 से भी ज्यादा बंदे चढ़े हुए हैं भाई। मैं तो कुछ देख कर पापा को ढूंढ रहा हूँ, अंकल कहाँ इधर उधर, और ऐसा हुआ ना पापा हो गए, मैं समीरन को ढूंढ रहा हूँ, ये मेरे को ढूंढ रहा, कोई समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा बंदा कहाँ पर है। मतलब ये तो अलग ही लेवल का गेट टुगेदर हो गया, ये देखो ना भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये मैं आ रहा हूँ, ये देखो कुछ नहीं समझ आ रहा कहां से आ रहा हूं क्या भाई ये। और पता क्या सबसे मेन चीज, सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अंदर जा रहा हूं ना सब्सक्राइबर मेरे यहां हाथ फंसा के जोड़ी धर के चल रहे हैं। कह रहा हूं भाई अंदर जान दो, फोटो खिंचाओ पहले। मैंने लगा भाई तुम्हारे साथ फोटो खिंचाऊंगा, सबके साथ खिंचानी पड़ेगी, एक बारी बाइक अनवील कर ले तो उसके खराएंगे। नहीं जाने दूंगा, पहले फोटो। अब क्या बोले भाई, मेरे को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। मतलब चलो ठीक है, मैंने उसको प्यार से समझाया, मतलब भाई एक बारी जाने दे, एक बारी बाइक के ऊपर से पर्दा उठाते, एक एक करके फोटो खिंचाएंगे। फिर भी नहीं छोड़ रहा था बड़ी मुश्किल से, लेकिन ठीक है एट दी एंड यही प्यार करने वाले हैं। कभी कभार क्या होता है ना, ज्यादा प्यार हानिकारक हो जाता है, आज मेरे को वैसे ही लग रहा था आज कि भाई तगड़ा ही कांड होने वाला, और पुलिस आ ही गई। चलो ठीक है, जिप्सी का भी नुकसान हो गया। जिप्सी का दिखाया था तूने वीडियो में, नहीं दिखाया ना, जिप्सी का साइड मिरर ही टूट गया है, मेन मिरर। चलो कोई बात नहीं, अभी करेंगे आराम मस्त एकदम, और आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ अब सही दिख रहा है ना। तो भाई फाइनली हुआ क्या हमारे साथ, रात को यहाँ बैठे बैठे एक बंदा यहाँ सो गया, संतोष वहां सो गया, इतनी तगड़ी नींद आई थी, कल का दिन वहीं पर समाप्त हो गया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ये फोटो तो भाई ने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन हम ये चाहते हैं जितने बंदे भी हमारी फोटो बनाते हैं ना, उसका फ्रेम ना ब्लैक रखा करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो अभी तीन वहां लगी हुई है, तीन यहाँ लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, सबके फ्रेम ब्लैक है, तो अभी ये गोल्ड फ्रेम वाला बीच में लगाएंगे, अच्छा है गोल्ड, अगर सारे गोल्ड होते तो अच्छा लगता, लेकिन हम एक सिमेट्री बिठा रहे हैं ना इस दीवार को, बहुत बढ़िया बनाने इन फ्यूचर धीरे धीरे कर करके, तो अभी सिमेट्री बैठेगी नहीं, अभी तो हम ये लगा देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी बनाता है, कोई भी हमें गिफ्ट करना चाहता है, तो ब्लैक फ्रेम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हो सकता है हम इसका भी चेंज करा दे, लेकिन अभी हम इसको यहाँ सेट करेंगे, समझ नहीं आ रहा यहाँ सेट करें या ये छोटी को नीचे करें, बड़ी को ऊपर करें,
जैसा भी होगा देख लेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। बाकी होप करते हैं आपको इस वीडियो मजा आएगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा भाई बहुत खुश है, S2 नीचे खड़ी हुई है, अभी सुबह भी गया था उसको देखने के लिए, सुबह जाता हूँ, रात को जाता हूँ, दिन में जाता हूँ, शाम में जाता हूँ, बस वही मेरे सपनों में आती है, वही मेरे सपनों की रानी है भाई। ये तो वो बन गई है, यूज कर सकते हो जिसको भी यूज करना है। बाकी अच्छी लगी वीडियो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।